नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आदमपुर के महासंग्राम की आज बात कर रहे हैं। आदमपुर की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर और सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने पूजा अर्चना भी की है। वोट डालने से पहले पूजा अर्चना करने के लिए शिवालय पहुंचे थे, पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ पहुंचे थे। कुलदीप बिश्नोई पूर्व विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई शिव मंदिर में पहुंच करके शिवलिंग का उन्होंने अभिषेक किया। कुलदीप बिश्नोई ने पूजा अर्चना भी की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ शिवालय पहुंच करके पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए थे। शिव मंदिर में पहुंच करके शिवलिंग का उन्होंने अभिषेक किया। यह वो तस्वीरें आप देखिए जब वोट करने से पहले वो पहुंचे थे, शिव मंदिर पहुंचे थे। कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी उनके साथ थी, उनकी पत्नी। पूर्व विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई और इनके बेटे भव्य बिश्नोई ही आदमपुर उपचुनाव में इस बार यहां से उम्मीदवार हैं। और काफी महत्वपूर्ण ये दिन आज का, और इसीलिए पहले शिव मंदिर पहुंचे भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। शिवलिंग का जलाभिषेक उन्होंने किया, दुग्धाभिषेक उन्होंने किया, और इसके बाद यहाँ से वो गए सीधा चौधरी भजन लाल की समाधि पर। वहाँ भी उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय भजन लाल का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वोट डालने के लिए पहुँचे थे। वोट डालने के बाद उन्होंने दावा किया है कि भव्य की जीत पक्की है, भव्य की जीत का दावा करते हुए नजर आए दोनों माता पिता, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई। तो वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पूजा अर्चना करने के लिए कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो शिव मंदिर पहुंचे थे। आपको बता दें आज आदमपुर की जनता के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है अपना उम्मीदवार चुनने का। सभी ने भावनात्मक अपीलें भी की हैं, चाहे बात जेपी की जाए जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, या भजनलाल परिवार की बात करें। भजनलाल परिवार ने भी खूब भावनात्मक अपील जो है वो आदमपुर की जनता से की है। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता नाराज हो सकती है हमसे, लेकिन खिलाफत नहीं कर सकती। तो वहीं जेपी ये कहते हुए नजर आए कि एक तरफ कुलदीप बिश्नोई हैं, उनका परिवार है जिनका अभी तक यहाँ पर गढ़ रहा है, और वहीं जो मौका अब मिलेगा अगर जेपी को मौका देती है आदमपुर की जनता, तो जेपी वो करके दिखाएंगे जो अभी तक कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल का परिवार यहाँ पर नहीं कर पाया है। तो तमाम तरह की बातें जो हैं वो सभी उम्मीदवार आदमपुर की जनता के बीच जाकर के कहते हुए नजर आए। लेकिन आज आदमपुर की जनता के पास ये मौका है कि किसको वो अपने सिर पर बैठाना चाहते हैं, किसको अपनी पलकों पर बैठाना चाहते हैं, किसको आदमपुर की सत्ता का ताज सौंपेंगे। क्या सत्ताधारी दल की तरफ जाएंगे या फिर विपक्ष की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यहां पर यह मुख्य मुकाबला, एक तरफ बीजेपी जेजेपी और भजनलाल का परिवार है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, इनेलो भी है और आम आदमी पार्टी भी है। इसके अलावा और भी बाकी के जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, कुछ निर्दलीय हैं तो कुछ किसी पार्टी से हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आदमपुर की जनता यहाँ पर किसे मौका देती है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भजनलाल परिवार ने मतदान किया है, आदमपुर में लगातार मतदान की खबर आपको बता रहे हैं। भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई ने अपना वोट डाला है। भजनलाल परिवार ने वोटिंग से पहले भजनलाल का आशीर्वाद लिया, और उससे पहले शिव मंदिर में भी पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। भजनलाल की समाधि स्थल पर पहुंच करके आशीर्वाद लिया। कुलदीप बिश्नोई ने पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ पूजा अर्चना भी की, जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिव मंदिर में पहुंच करके शिवलिंग का जलाभिषेक किया और समाधि स्थल पर भी पहुंचे थे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जब स्वर्गीय भजनलाल की समाधि पर पहुंचे
कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, उनके पीछे पूरा परिवार जो है वो इनके साथ में नजर आया और आशीर्वाद लिया स्वर्गीय भजनलाल का। इससे पहले शिव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाई, जब शिवलिंग का वो जलाभिषेक करते हुए दिखाई दिए थे, शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए थे, और अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब स्वर्गीय भजनलाल के समाधि पर वो पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए। ये वो तस्वीरें जब शिव मंदिर पहुंचे, शिवलिंग का जलाभिषेक इन्होंने किया, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कुछ और पीछे भी कुछ इनके सदस्य खड़े हुए हैं, इनके साथी कुछ खड़े हुए हैं, और इसके बाद यहाँ से सीधा स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की समाधि पर वो पहुंचे अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए, और साथ में उम्मीदवार जो भव्य बिश्नोई वो भी नजर आए। और इससे पहले ये तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब भव्य की दादी जसमा देवी पहुंची थी अपने पोते के लिए वोट डालने के लिए। जसमा देवी खुद मतदान केंद्र पर पहुंची, वोट उन्होंने डाला अपने पोते भव्य बिश्नोई के लिए। इससे पहले चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए। धाकड़ मुकाबला जो है वो भव्य बिश्नोई वर्सेस जयप्रकाश, और चुनावी मैदान में जो मुख्य उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई हैं, जयप्रकाश हैं, करोड़ा राम नंबरदार, सत्येंद्र सिंह उम्मीदवार हैं आपके भव्य बिश्नोई, हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल के पोते हैं और कुलदीप बिश्नोई के बड़े बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई के साथ स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की समाधि पर भी भव्य बिश्नोई पहुंचे थे अपने दादा से आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। एक बार फिर से चुनावी मैदान में है भव्य बिश्नोई, इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं हिसार से, और अब आदमपुर से अपने परिवार की विरासत संभालने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन पर है। बीजेपी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण इस बार जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और दूसरे उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जयप्रकाश, हिसार क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेता हैं हिसार क्षेत्र के जयप्रकाश। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतदान के बाद भी कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है, भव्य आदमपुर के लिए मत डालकर के उपचुनाव के यज्ञ में अपनी आहुति डाली, उन्होंने ये कहा है, आप सभी भी भारी मात्रा में अपना मत का प्रयोग करें, यह अपील भी करते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई, लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें, कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा है। एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है जिसमें कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और उनकी माता जो हैं जसमा देवी वो भी हैं, और इस तस्वीर में उनके छोटे बेटे भी हैं, परिवार के बाकी सदस्य भी हैं। ये बड़ी खबर आपको बताने हैं, भव्य आदमपुर के लिए आज मत डाल करके उपचुनाव के यज्ञ में अपनी आहुति डाली, आप सब भी भारी मात्रा में अपना मत डालकर लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें, ऐसी अपील करते हुए वो नजर आए आदमपुर की जनता से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण और पूरी कोशिश है बीजेपी जेजेपी की तरफ से, भजनलाल परिवार की तरफ से, कि भव्य ही एक बार फिर से वहां पर विजय परचम फहराएं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से भजनलाल परिवार पर ही भरोसा जताएगी आदमपुर की जनता। आप सब भी भारी मात्रा में अपने मत का प्रयोग करें, ऐसी अपील करते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने वोट डाला और वोट डालने के बाद सोशल मीडिया पर यह संदेश जारी किया, उन्होंने लिखा कि मतदान के बाद ये लिखते हुए नजर आए वो कि भव्य आदमपुर के लिए मत डाल करके उपचुनाव के यज्ञ में अपनी आहुति डाली है, और आप सब भी भारी मात्रा में अपने मत का प्रयोग करें। इससे पहले आपको बताया मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी ट्वीट करके लोगों से अपील कर चुके हैं कि आदमपुर में अपने घरों से निकलें, मतदान करें, और सबसे पहले भजनलाल परिवार की तस्वीरें भी सामने आई वोट डालने के लिए जब पहुंचे, भव्य की दादी जसमा देवी मतदान केंद्र पर पहुंची वोट डालने के लिए, उसके बाद भजनलाल परिवार के बाकी सदस्य भी वोट डालने के लिए पहुंचे, और अब ये ट्वीट किया है
लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें। लोकतंत्र का एक महापर्व होता है चुनाव, और ये उपचुनाव है, इसमें खास मौका है आदमपुर की जनता के पास, सत्ता पक्ष के साथ जाना है या विपक्ष के साथ, क्योंकि सरकार चुनी जा चुकी है 2019 में, लेकिन अब एक बार फिर से ये मौका मिला है। 2019 में विपक्ष में रह गया था आदमपुर, लेकिन अब ये मौका है यहाँ की जनता के पास कि वो सत्ता पक्ष के साथ अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर से विपक्ष के उम्मीदवार को चुना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात करें, इस सीट के इतिहास की अगर बात करें, तो इस सीट का जो इतिहास रहा है, सियासी सफर जो रहा है इस सीट का, तो ये सीट भजनलाल परिवार का ही गढ़ रही है। 1968 से लेकर के अब तक यहाँ पर भजनलाल परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य विधायक रहा है, और अब एक बार फिर से भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी वो चुनावी मैदान में है। उनके लिए पुरजोर कोशिश भजनलाल परिवार की तरफ से, बीजेपी जेजेपी की तरफ से की गई है ताकि उनको जीत हासिल हो, और अब कुलदीप बिश्नोई ने वोटिंग के बाद, मतदान करने के बाद ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप सब भी भारी मात्रा में अपने मतदान का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें। मतदान के बाद कुलदीप बिश्नोई ने यह ट्वीट किया है, उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि भव्य आदमपुर के लिए मत डाल करके, आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। एक और ये बड़ी खबर सामने आई है, आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है, भजनलाल परिवार ने मतदान किया है, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई वोट डालने के लिए पहुंचे, और भव्य की दादी जस्मा देवी भी वोट डालने के लिए पहुंची। भजनलाल परिवार ने वोटिंग से पहले भजनलाल का आशीर्वाद दिया, समाधि स्थल पर पहुंच करके, भजनलाल की समाधि स्थल पर पहुंचा था पूरा परिवार, आशीर्वाद लिया स्वर्गीय भजनलाल का, और कुलदीप बिश्नोई ने पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ पूजा अर्चना भी की, शिव मंदिर पहुंचे थे जहां शिवालय में उन्होंने पूजा अर्चना की, अभिषेक किया शिवलिंग का। कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया है। बीजेपी का मुकाबला एक तरफा है ये कहते हुए नजर आए, और ये वो तस्वीर आप देखिए जो वोट के बाद, वोट करने के बाद जो उन्होंने शेयर की है, कुलदीप बिश्नोई विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, और उनके साथ हैं उनकी माँ जस्मा देवी, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और उनके छोटे बेटे भी उनके साथ हैं, तो पूरा परिवार एकजुट एक साथ नजर आया इस खास मौके पर आदमपुर में। आज मतदान का दिन है और मतदान के दिन ये पूरा परिवार वोटिंग के लिए पहुंचा मतदान केंद्र पर, और वोट के बाद ये विक्ट्री साइन, काफ़ी कुछ कहती हुई ये स्माइल, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये दिखाता है कि कितना आत्मविश्वास है उन्हें अपने बेटे की जीत को लेकर के। लेकिन चुनाव परिणाम 6 तारीख को सामने आएंगे, और 6 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्या वाकई भजनलाल परिवार को एक बार फिर से मौका देती है आदमपुर मंडी की जनता या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और उससे पहले ये तस्वीरें जो सामने आई थी जब पहुंचे थे चौधरी भजनलाल की समाधि पर, पूरे परिवार वहां भी पहुंचा अपने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का आशीर्वाद लेने के लिए, कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ और अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ यहां पर पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें हैं जब वोट करने से पहले, वोटिंग से पहले यहां पर पहुंचे थे कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, और उसके उससे पहले शिव मंदिर की ये तस्वीरें जब वो शिवालय में पहुंचे और शिवलिंग का अभिषेक उन्होंने किया, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रही। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें होती हैं चुनाव के दिन भी, पूजा अर्चना की जाती है जैसे पहले की अगर बात करें तो, और उससे पहले ये तस्वीरें आई थी भव्य की दादी जस्मा देवी की, जस्मा देवी जब वोट डालने के लिए पहुंची थी, तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो अभी तक वोटिंग की सामने आई हैं। वोटिंग जारी है लगातार, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है, और ये वोटिंग की तस्वीरें हैं जब कुलदीप बिश्नोई भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे।
आदमपुर में बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला जो है आज, आदमपुर का मुकाबला बीजेपी के भव्य पर, जहां परिवार का गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं जेपी के बहाने हुड्डा की साख जो है वो दांव पर है। हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीट रही है पिछले काफी समय से। हालांकि अगर ये कहा जाए कि जब से हरियाणा बना तब से ये सीट काफी महत्वपूर्ण है तो गलत नहीं है, क्योंकि जब से चुनावी राजनीति शुरू हुई हरियाणा के अलग होने की, तो उसके बाद से यहाँ से भजनलाल परिवार का ही कब्जा रहा है। मतदान सुबह ही शुरू हो गया था और मतदाता सुबह से ही बूथों में बूथ पर जो लाइनों में लगे हुए दिखाई दिए। और इस उपचुनाव में मुख्य राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी के भव्य बिश्नोई और कांग्रेस के जयप्रकाश के बीच ही माना जा रहा है। भव्य बिश्नोई के आगे जहां परिवार का गढ़ बचाने की चुनौती है, बीजेपी जेजेपी की साख बचाने की चुनौती है सत्ताधारी दल की, तो वहीं जयप्रकाश के बहाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुनाव प्रचार के दौरान काफी बरसते हुए नजर आए और कई बार चुनौती देते हुए भी नजर आए कुलदीप बिश्नोई। तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से चुनौती दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो वो भी कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए नजर आए और अपनी साख दांव पर लगाते हुए भी नजर आए। तो वहीं इनेलो ने कांग्रेस छोड़कर क्या है कोड़ाराम नंबरदार को उम्मीदवार बनाया और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। दो महत्वपूर्ण नेता इनेलो के, क्योंकि इनेलो का जनाधार लगभग लगभग खिसका हुआ सा नजर आता है और दो फाड़ भी हो चुकी है पार्टी, एक तरफ जेजेपी है और एक तरफ इनेलो अभी भी है। तो दोनों ही स्थिति में जो इनेलो का वोट था वो बटा हुआ नजर आता है। हालांकि इनेलो का अब ये दावा है कि जब से जेजेपी ने सत्ता का साथ दिया है, बीजेपी के साथ में मिलकर के सत्ता में वो शामिल हुए हैं, तब से इनेलो का जनाधार, जो इनेलो के वोटर्स हैं, वो इनेलो के पास वापस आ चुके हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी इनेलो के लिए भी अपने आप में ये चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या इनेलो का वोटर इनेलो के पास वापस आ गया है ये बताने के लिए काफी होगा ये चुनाव। भाजपा के भव्य बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते हैं। इससे पहले वो साल 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं कांग्रेस के जयप्रकाश 3 बार हिसार से सांसद रहे हैं और 1 बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। वो 2014 में कैथल के कलायत से निर्दलीय विधायक भी बन चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चुनाव। और आदमपुर में 180 बूथ हैं जिन पर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होना है। सुबह 7 बजे ही मतदान शुरू हो गया था और शाम के 6 बजे तक चलना है, और अगर तब भी 6 बजे भी कोई बूथ पर पहुंच जाता है तो उसको भी वोट डालने का अधिकार होगा। इन बूथों में 36 संवेदनशील और 39 अति संवेदनशील बूथ हैं। आदमपुर उपचुनाव में 1,71,473 मतदाता हैं, जिनमें से 91,805 पुरुष और 79,668 महिला मतदाता हैं। चुनाव की मतगणना जो परिणाम सामने आना है वो 6 नवंबर को आएगा। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे और 13 राउंड में मतों की गणना होगी। मतदान आज चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आदमपुर के लिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहने के लिए एक बार फिर से मौका मिला है इस कार्यकाल के बीच में। और बार बार अपनी कुर्बानी का जिक्र करते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई के, मैंने कुर्बानी दी है सत्ता पक्ष के साथ जाने के लिए और उसको व्यर्थ ना जाने देना, इस तरह की अपील करते हुए भी नजर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आदमपुर की जनता को क्या पसंद है, क्या उसे भी सत्ता का स्वाद चखना है या फिर विपक्ष में ही रहना है, ये तय करना है आदमपुर की जनता को। साल 2019 में इस सीट से विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीते थे, लेकिन तब कांग्रेस में थे कुलदीप बिश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई। कांग्रेस में तालमेल नहीं बैठा, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उदय भान, तो उसके बाद से नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी तालमेल नहीं बन पाया कुलदीप बिश्नोई का, तो इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और बीजेपी के पास आ गए। बीजेपी के साथ अब अपनी नई पारी की शुरुआत की और इस पारी में भव्य बिश्नोई को उन्होंने सामने रखा, भव्य बिश्नोई को ही आदमपुर से
उम्मीदवार बनाया। तो चुनावी मैदान में अब भव्य बिश्नोई हैं और देखना होगा कि भव्य बिश्नोई क्या कुछ कमाल करते हैं। इसके अलावा आदमपुर की अगर बात करें, आदमपुर के इतिहास की अगर बात करें, तो आदमपुर विधानसभा से अब तक पूर्व सीएम भजनलाल का परिवार ही जीतता रहा है। इस सीट पर अब भजनलाल की तीसरी पीढ़ी के रूप में भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है। साल 1968, 72, 77 और 82 में भजनलाल यहाँ से विधायक चुने गए। इसके बाद 1987 में भजनलाल की पत्नी जसमा देवी ने यहाँ से चुनाव जीता। 91 और 96 में फिर से भजनलाल चुनाव जीते। 98 में उपचुनाव हुए तो कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक चुने गए। फिर 2000 और 2005 में भजनलाल विधायक चुने गए। 2008 में उपचुनाव में भजनलाल ही जीते और 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई यहाँ पर चुनाव जीती। इसके बाद 2014 और 19 में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत करके यहाँ से विधायक बने। तो ये यहाँ का मोटा मोटा सा सियासी इतिहास जो है वो रहा है आदमपुर की सीट का। और यहाँ से अगर बात करें बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी से इस बार भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी 7 बार यहाँ पर चुनाव हारी है और 7 बार में से 5 बार तो जमानत तक जब्त हुई है, 2 बार ही जमानत बची बीजेपी की यहाँ पर। एक बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गणेशी लाल ने यहाँ पर जमानत बचाई, 19% वोट हासिल किए, और एक बार सोनाली फोगाट, जो कि साल 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है बीजेपी का यहाँ से, उनको भी यहाँ पर 27% से ज़्यादा वोट जो हैं वो मिले थे। तो अपने आप में एक बड़ा इतिहास इस सीट पर रचा जाना है अगर इस बार भव्य बिश्नोई की जीत यहाँ पर होती है। तो अगर भव्य यहाँ से जीतते हैं और जिस जो उम्मीद भव्य के लिए है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है आदमपुर उपचुनाव को लेकर के। वोटिंग जारी है लगातार, आदमपुर में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और आज 22 उम्मीदवारों के लिए मतदान हो रहा है। 22 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। गठबंधन से आदमपुर उपचुनाव के मैदान में भव्य बिश्नोई हैं, तो कांग्रेस से जेपी हैं, जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव में। इनेलो से कोड़ाराम नंबरदार आदमपुर उपचुनाव के उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सुबह से वोटिंग जारी है आदमपुर उपचुनाव को लेकर के और आदमपुर उपचुनाव में 22 उम्मीदवार हैं, 22 उम्मीदवारों के लिए मतदान हो रहा है। 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन यह देखना होगा कि मौका यहां किसे मिलेगा। बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश, इनेलो की तरफ से कोड़ाराम नंबरदार, आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह यहां पर उम्मीदवार हैं। इन चार मुख्य उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला है और जो धाकड़ मुकाबला माना जा रहा है वो भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच माना जा रहा है। महत्वपूर्ण मुकाबला आज आदमपुर के उपचुनाव में भव्य बिश्नोई और जयप्रकाश के बीच में ये महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ भी करिश्मा यहां पर हो सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन ही भगवान है लोकतंत्र में। उन्हें अगर कोई निर्दलीय पसंद है या कोई और दल का कोई नेता पसंद है तो वो भी जीत सकता है, क्योंकि कड़ी टक्कर जब किसी में होती है तो कोई तीसरा जो अगर मजबूत उम्मीदवार हो तो वो भी फायदा उठा जाता है। तो कड़ी टक्कर तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश और बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई में ही है, लेकिन इस बीच अगर कोई तीसरा फायदा उठा जाए तो वो भी हैरान कर देने वाली घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास ही अधिकार है कि वो किसे चुने। लेकिन मुख्य मुकाबला, क्योंकि जनता जनार्दन की ही आवाज जब सामने आती है उसी को भाप करके समझ लिया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है, वो उन्हीं मुख्य चेहरों पर होती है जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जाता है। इनेलो के कोड़ाराम नंबरदार की भी साफ छवि है, किसानों के हितैषी माने गए हैं, किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, तो ऐसे में उनका भी पलड़ा बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं दिखाई देता। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह भी एक नया मॉडल लागू करने की बात करते हैं, स्थानीय हैं
हालांकि दल बदलू का ठप्पा उन पर लग चुका है। कांग्रेस बीजेपी से होते हुए आम आदमी पार्टी में पहुंचे हैं, लेकिन दावेदारी उनकी भी है और मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आए थे शुरुआत में, लेकिन अंत तक आते आते दो उम्मीदवार जो निखर करके सामने आए, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, वो बीजेपी के भव्य बिश्नोई। अपनी पारिवारिक छवि की वजह से भव्य बिश्नोई यहाँ पर महत्वपूर्ण उम्मीदवार माने जा रहे हैं, और वहीं जेपी अपने अनुभव और कांग्रेस में जिस तरह से उन्होंने जो अपनी पारी खेली है या जो उनकी सियासी पारी रही है, जिस तरह से उनका सियासी कद रहा है, उस वजह से भी, और यहाँ पर जो मुकाबला उन्होंने दिया साल 2009 में भी मुकाबला दिया है भजनलाल परिवार को, एक टक्कर दी थी, कड़ी टक्कर दी थी, तो उसके बाद अब एक बार फिर से वो टक्कर देने के लिए मैदान में है। तो मुख्य मुकाबला दो बड़े चेहरों के बीच में माना जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी 6 तारीख को नतीजे जो है वो किसके हक में आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सुबह से ही वोटिंग शुरू है और वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं लोग, अपने अपने घरों से निकल रहे हैं बड़ी संख्या में। आदमपुर में आज महामुकाबला है, आदमपुर के महासंग्राम में महामुकाबला, और महामुकाबले में वोट डालने के लिए लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हुए मतदान केंद्रों पर और पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके अपील की है तमाम लोगों से, आदमपुर के लोगों से, कि अपने घरों से निकलिए, वोट करिए और इतिहास बनाइए। आज इतिहास बनाने का मौका है, इतिहास में ये घटना दर्ज करवाने का मौका है कि किस तरह से यहाँ पर ऐतिहासिक मतदान जो है वो हुआ। और एक और इतिहास यहाँ पर बन सकता है अगर जो संभावनाएं हैं अगर उनके हिसाब से देखा जाए, या जो उम्मीदें हैं भव्य बिश्नोई से बीजेपी को, जेजेपी को और भजनलाल परिवार को। भजनलाल परिवार ने जिस तरह से वोट को मर्ज करने की कोशिश की है, तीनों दलों का वोट, जेजेपी, बीजेपी और भजनलाल परिवार का जो वोट बैंक है उसको एकजुट लाने की कोशिश की गई है इस चुनाव में, अगर ये पूरा वोट एकजुट हो जाता है तो एक बड़े मार्जिन के साथ भव्य बिश्नोई की जीत होगी। लेकिन अगर ये दांव उल्टा पड़ जाता है कुलदीप बिश्नोई पर, तो फिर यहाँ पर भजनलाल परिवार का जो गढ़ है, जो किला है, वो ढह भी सकता है। एक दांव खेला गया है, एक रिस्क जो है वो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से लिया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि यहाँ की जनता किसे अपना